समाजवादी पार्टी का जनपदीय महिला सम्मेलन हुआ, जिसमें पार्टी के सभी नेता शामिल हुए। बरेली में समाजवादी पार्टी का महिला सम्मेलन IMA हाल में हुआ। समाजवादी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष मुख्य अतिथि लीलावती कुशवाहा ने कहा, प्रदेश में महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अखिलेश यादव ने प्रदेश में विकास की गंगा बहाई थी। आज उसी विकास को BJP अपना बताकर योजनाओं के नाम बदलकर प्रदेश की जनता को धोखा दे रही है। महिलाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। गरीबों के चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं। गैस सिलेंडर इतना महंगा कर दिया कि गरीब उसको खरीद ही नहीं पा रहा है। महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष जरीना उस्मानी ने भी BJP सरकार पर निशाना साधा। मीरगंज के पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने कहा, BJP सरकार गरीबों के साथ धोखा कर रही है। आगामी चुनाव में गरीब साइकिल का बटन दबाकर BJP से बदला लेगा। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अगम मौर्य ने भी सरकार पर तंज कसा और कहा कि समाजवादी पार्टी गरीबों की लड़ाई लड़ रही है और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी बहुमत से बनेगी। भगवत शरण गंगवार ने कहा, महिलाएं देश की बहुत बड़ी ताकत हैं। अगर किसी के साथ अन्याय हो तो सभी महिलाएं बेलन उठा लें और अपने न्याय की लड़ाई लड़ें। बरेली उत्तर प्रदेश से जुबैर खान की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बधाई देती हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी ही ऐसे एक नेता हैं जो आधी आबादी को सम्मान देने वाले हैं, और वो सम्मान जो समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला था वो महिलाएं खो चुकी हैं। आज देख रहे हैं गांव-गांव से निकल करके महिलाएं आ रही हैं और कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो काम किया था ये सरकार ने बंद कर दिया है। चाहे वो कन्या विद्याधन हो, चाहे वो समाजवादी पेंशन हो, सारे काम जितने किए थे वो सब बंद हो गए। यहाँ तक कि जितने काम हुए थे वो अपना नाम लगा करके नाम बदलने का ये सरकार काम कर रही है। तो सब जान रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि सरकार का केवल हवा हवाई कामे हैं, सब कागजों में ही काम है, धरातल पर कुछ नहीं है। मैं बरेली में आई थी, मैं सोची कि यहाँ जो एक बहुत मशहूर कहावत है कि झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, वहाँ इतनी सड़कें बदहाल हैं कि बड़े बड़े गड्ढे हैं जहाँ चलना मुश्किल हो गया है। तो ये सरकार ने तो कुछ नहीं किया। महिलाएं बहुत त्रस्त हैं, अपराध बहुत चरम पर है। यहाँ तक कि बेटियाँ कहीं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं हैं, आधी आबादी असुरक्षित है और आधी आबादी अपना हक मांगने के लिए और आधी आबादी चाह रही है कि आशा भरी निगाहों से माननीय अखिलेश यादव जी को देख रही है कि हम कब वोट आए और कब हम साइकिल की बटन दबाएं। अब की EVM फेल कर देंगी महिलाएं। 2022 को लेकर एक और क्या तैयारी आपकी है? समाजवादी पेंशन जो 500 हम दे रहे थे वो 2000 रुपया देंगे, किसानों को बिजली फ्री देंगे, गरीबों को बिजली फ्री देंगे और 350 तक सबको बिजली फ्री है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा किया है कि हम शपथ लेते ही पहली कैबिनेट में 1,00,000 नौजवानों को नौकरी देंगे और जो हमारी बहनें गरीब हैं जिनका घर नहीं है उनको जो 3.5 लाख लोहिया आवास था वो 7.5 लाख रुपया हम करने जा रहे हैं गरीबों के लिए। और ये जो भाजपा ने झूठा मजाक किया, गरीबों के साथ मजाक किया है कि शौचालय के विषय में इज्जत घर दिया, इज्जत घर है वो 12,000 रुपये में कौन सा इज्जत घर बनेगा। हमारी सरकार आएगी तो 50,000 रुपया देंगे महिलाओं को इज्जत घर बनाने के लिए। बहुत ही खराब है, बहुत पोजीशन खराब है। यहाँ तक कि गोरखपुर में कॉलेज में बेटी के साथ कॉलेज में यूनिवर्सिटी में वहाँ पेपर देने जाती है, वहाँ जा पेपर देने के बाद उसका रेप होता है और वहीं उसकी हत्या कर दी जाती है।